जॉब संबंधी अपडेट पाने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवजागृति यूट्यूब चैनल में, जहां मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई जॉब की जानकारी। और आज की जो नई जॉब है वो मुख्यालय दक्षिण महाराष्ट्र उप क्षेत्र पुणे, हेड क्वार्टर दक्षिण महाराष्ट्र सब एरिया पुणे से जारी की हुई है। मुख्यालय दक्षिण महाराष्ट्र उप क्षेत्र पुणे में स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए पात्र पुरुष महिला नागरिक उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता जाति के समर्थन में प्रमाण पत्रों संसा पत्रों की फोटो प्रतियों और पासपोर्ट आकार के दो नए फोटो 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसकी एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है। जॉब लोकेशन पुणे है और नेम ऑफ पोस्ट स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए पे स्केल 25,500 का है और इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और एज लिमिट इसमें 18 साल से 28 वर्ष तक की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12th क्लास पास होना चाहिए या उसके समकक्ष हो। इसके अलावा 80 शब्द प्रति मिनट की गति इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए, जिसको कि ट्रांसलेट करने के लिए शॉर्ट हैंड की मैनुअल टाइपराइटर पर 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा और कंप्यूटर पर ट्रांसलेट करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पे स्केल 19,900 का है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी अदर अलाउंसेस भी हैं और इसकी एज लिमिट 18 से 28 वर्ष तक की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी 12th क्लास पास होना चाहिए या उसके समकक्ष। इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है ओबीसी के लिए और एक पद है एलडीसी का, वो भी ओबीसी के लिए है। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई किस तरह से करना है। निर्धारित प्रारूप के अनुसार हर तरह से पूर्ण आवेदन पत्र, अपेक्षित प्रलेखों, स्व सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों तथा एक फोटो एवं एक अपना नाम पता लिखे 25 रुपये की डाक टिकट लगे लिफाफे के साथ केवल पंजीकृत डाक से, रजिस्टर्ड डाक से संस्थापना अधिकारी मुख्यालय दक्षिण महाराष्ट्र उप क्षेत्र पुणे 411001 के पास इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए। उस तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि 31वें दिन अगर पहुंचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे आप 2 दिसंबर 2017 के रोजगार समाचार में पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नीचे इसका एप्लीकेशन का प्रारूप मैंने भी दे दिया है। इसमें इस प्रारूप में आप इसे टाइप करा करके और संस्थापना अधिकारी मुख्यालय दक्षिण महाराष्ट्र उप क्षेत्र पुणे 411001 के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए कृपया 2 से 8 दिसंबर 2017 का रोजगार समाचार देखें।